दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी सीरियल में अलग अलग किरदार निभाने की अलग अलग फीस होती है। जी हाँ, और उस किरदार को निभाकर वो कलाकार मशहूर हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि उस किरदार के लिए जाने जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीरियल में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाने वाले ये अभिनेता एक दिन का क्या चार्ज लेते हैं और कौन सा अभिनेता इन दिनों मेन लीड रोल निभाने की सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है? नहीं ना, तो इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं मुख्य अभिनेताओं से मिलवाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन से अभिनेता हैं जो मेन लीड रोल निभाने की सबसे ज्यादा फीस लेते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, धीरज धूपर। इस लिस्ट की 8वीं कड़ी में अभिनेता धीरज धूपर का नाम शुमार है, जो कुंडली भाग्य सीरियल में करण का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके हैं और ये इस शो में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाने के लिए पर डे का 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 7, सुधांशु पांडे। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सुधांशु पांडे का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जो इन दिनों अनुपमा सीरियल में वनराज का किरदार निभा रहे हैं और इस शो में इनका मुख्य अभिनेता का किरदार है। तभी तो ये भी इस शो में काम करने के लिए तकरीबन पर डे का 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 6, अविनाश मुखर्जी। अब बात करें अभिनेता अविनाश मुखर्जी की, जो एक चाइल्ड कलाकार भी रह चुके हैं और इन दिनों ससुराल सिमर का सीजन 2 में आरफ का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने इस किरदार से सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। तभी तो आज ये इस शो में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाने के लिए तकरीबन 60,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। नंबर 5, नील भट्ट। जी हाँ, नील भट्ट भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक हैं जो गुम है किसी के प्यार में सीरियल में मेन लीड रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं और इन दिनों गुम है किसी के प्यार में विराट का मुख्य अभिनेता का किरदार निभा रहे हैं और ये इस शो में काम करने का पर डे का तकरीबन 65,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 4, रोहित सुचंती। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर अभिनेता रोहित सुचंती भी इन दिनों अपने भाग्यलक्ष्मी शो में ऋषि का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक मुख्य अभिनेता का किरदार है और ये भी इस शो में मेन लीड रोल निभाने का 65,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि मेकर्स इन्हें खुशी खुशी दे रहे हैं। नंबर 3, अंकित गुप्ता। इसी कड़ी में अभिनेता अंकित गुप्ता का भी नाम शुमार है, जो उदारियां सीरियल में फतेह का किरदार निभा रहे हैं और एक अच्छे पति के किरदार से मशहूर हो चुके हैं और ये इस शो में मुख्य अभिनेता का किरदार पर्दे पर उतारने के लिए तकरीबन 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जिसके चलते इनका नाम इस लिस्ट के नंबर 3 पर शुमार है। नंबर 2, आकाश आहूजा। अब बात करते हैं अभिनेता आकाश आहूजा की, जो इन दिनों थपकी प्यार की सीजन 2 में पूरब का किरदार निभाकर बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। तभी तो आज इनका नाम नंबर 2 पर रखा गया है और ये इस शो में मेन लीड रोल निभाने का पर डे का तकरीबन 80,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 1, हर्षद चोपड़ा। जी हाँ, अभिनेता हर्षद चोपड़ा मेन लीड रोल निभाने की सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं, जो इन दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अभिमन्यु का किरदार निभा रहे हैं और अक्षरा के साथ अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का खूब दिल जीत रहे हैं। बता दें, ये इस शो में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाने का पर डे का तकरीबन 90,000 से 1,00,000 रुपए चार्ज करते हैं और इसी वजह से इनका नाम नंबर 1 पर रखा गया है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता के पर डे की सैलरी के बारे में जानकर ज्यादा हैरानी हुई है? आप हमें उस अभिनेता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।